सब आओ चढ़ाए ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए यह बलिदान। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता सबको जय यीशु, जय यीशु। आइए भक्ति भावना से भरकर मिसा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु कृष्ण की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म संगियों, लोक धर्मी भाइयों और बहनों, आप सबको इस मिसा बलिदान में स्वागत करते हुए मुझे हर्ष होता है कि आज ये त्रिदिवसीय नवीना को हम शुरू कर रहे हैं रानी मरिया के संदर्भ में, उनके सम्मान में। करीब 27 वर्ष पहले उनकी शहादत हुई थी। उनके कार्य के कारण उनका कत्ल किया गया, लेकिन क्लीसिया ने उनके इस बलिदान को मानते हुए उन्हें धन्य घोषित किया और उनके सम्मान में हम यह मिसा बलिदान चढ़ा रहे हैं। उनसे विशेष रूप से आग्रह करें कि उनकी मध्यस्थता से हमारी आवश्यकताएं पूरी हों। अब प्रभु जल्दी ही उन्हें संत घोषित करें और हम भी सिस्टर रानी मरिया से प्रेरित हो जाएं कि उनके मिशनरी कार्यों में हम सहभागी बनते हुए अपने जीवन को भी सार्थक बनाएं और इस प्रकार हमारे धार्मिक जीवन, उसी प्रकार हमारे विश्वासी जीवन सचमुच में ईश्वर के आशीष से धन्य रहें और हम खुश रहें, संतुष्ट रहें। और इसी उद्देश्य से इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए हम अपने कमजोरियों को इकरार करें और ईश्वर से तथा एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें,
हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। बनाए गुण गाए
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सच्चे भक्ति द्वारा धन्य रानी मरियम के विश्वास का अनुकरण करें, जिन्होंने क्रिस्तीय विश्वास के प्रसार के लिए शहादत का मुकुट प्राप्त किया। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और जीवा पर जिसे उचित रीति से आप उनकी वाणी सुना सको, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, नबी दानियल का ग्रंथ। आचार्य अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर, अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इसराइल को स्मरण कर, अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह, समुद्र तट की तरह, बालों की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो ना राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि और ना धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चतापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा साढ़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की तरह तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह ढेर संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर भरोसा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दें, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बुलावा तेरा प्रभु कितना
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। एक जीवंत पवित्र तथा सुग्रह बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करना। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत पवित्र तदा सुग्रह बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला सुग्रह तदा सर्वोत्तम है। आप लोगों का प्यार निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तदा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम से तदा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आप लोगों को आनंदित बनाए रखें। आप संकट में धैर्य रखें तदा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगें। हाँ, आशीर्वाद ना कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाएं, रोने वालों के साथ रोए। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। घमंडी ना बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। अपने आप को बुद्धिमान ना समझें। बुराई के बदले बुराई नहीं करें। दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चुनिया चुनिया ये सुने।
आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पेत्रुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों के लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक खर्चदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और घृणा अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको यह चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो गया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसके गला घेंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रोध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी कोड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, अंग्रेजी में कहा जाता है, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना, अपराध करना यह मानव स्वभाव है, क्षमा करना ईश्वरीय स्वभाव है। यह हम अक्सर देखते हैं, ईश्वर क्षमावान है और ईश्वर की जो क्षमा की विशेषता है वह प्रभु येसु ने अपने जीवन द्वारा हमें बताया। वे खुद क्षमावान बने और हरेक को क्षमा किया, यहाँ तक कि उसके शत्रुओं को जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। हे पिता, उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। आज हम रानी मरियम को याद करते हैं
और उन्होंने भी इसी प्रकार उनके खूनी को क्षमा किया और उसके परिवार ने भी उसे क्षमा किया। आज हम उनकी यादगार मनाते हैं, जैसे हर साल हम उनको याद करते हैं, उनकी वो सेवा भावना को याद करते हैं जिसके कारण उन्होंने अपना जीवन त्यागा। और इस प्रकार उन्होंने कुछ न कुछ रीति से आस पड़ोस के लोगों में और वहाँ के परिस्थिति में परिवर्तन लाया। हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह इस दुनिया में कुछ न कुछ रीति से परिवर्तन लाने की कोशिश करें। दुनिया में काफ़ी कठिनाइयां हम देखते हैं और अनेक झगड़े खून खराबे होते रहते हैं, यह मनुष्य के स्वार्थ का कारण है। जैसे जैसे मनुष्य अपने आप को संपूर्ण महसूस करता है, संपूर्णता ईश्वर की दृष्टि से नहीं मानव दृष्टि से संपूर्ण महसूस करता है, तो उसमें घमंड बढ़ता है। और जब जब उसमें घमंड बढ़ता है वह दूसरों को तुच्छ समझते हुए उस पर अत्याचार करता है, शक्ति पावर। और यह अक्सर देखा जाता है दुनिया भर में, हमारे भारत में भी हम देखते हैं। इसी कारण से दुनिया में दुख तकलीफ कष्ट और गरीबों को ज़्यादा सताया जाता है और यह हम पाते हैं। आज के पहले पार्ट में हमने यही सुना, नबूकदनेस्सर उसकी शक्ति के कारण एकदम घमंडी हो गया और उसने खुद एक मूर्ति बनाई, बड़ी सोने की मूर्ति, और सब लोगों को कहा यह है तुम्हारे देवता, उसकी आराधना करो। लेकिन यहूदी, अनेक यहूदी उसको माने नहीं, दूसरे यहूदी उन्हें माने भी। यहूदियों को कहा जाता है एक ही ईश्वर की सेवा करो, एक ही ईश्वर की आराधना करो, किसी मूर्ति की नहीं। वह है ईश्वर सृष्टिकर्ता। ईश्वर कभी किसी को दंड नहीं देता, प्यारे भाइयों और बहनों, वह क्षमावान है। लेकिन दंड हम खुद अपने गलतियों के कारण हम महसूस करते हैं। जब जब मनुष्य में आंतरिक रीति से शांति महसूस नहीं करता कोई भी मनुष्य, तो वह तकलीफ में रहता है। भले ही शारीरिक रीति से वह कष्ट सहे न सहे, लेकिन मानसिक रीति से काफ़ी दुख और कष्ट वह सहता है, इसलिए कि वह सचमुच में अपने शरीर आत्मा और दिमाग उसमें बराबर संतुलन नहीं रखता। तो यह विपदा यहूदी लोगों ने कहा, अजरिया ने कहा कि यह सही और न्याय संगत है, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। लेकिन मनुष्य अन्याय करता है ईश्वर की रचना होने पर भी, लेकिन मनुष्य को यह महसूस करना है उसका स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव के समान बनना और हर एक पर तरस खाना और गरीबों पर ज़्यादा उन पर अपनी दया बताना, दया दिखाना, यह आवश्यक है। तो इसलिए आज के दूसरे पार्ट में रोमियों के नाम पर संत पौलुस कहते हैं, मैं ईश्वर के दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ आप सबों से कि आप मन और हृदय से उसकी उपासना करें और जीवंत पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। यह है न्याय संगत कहा जाता है, पहले भी कहा गया न्याय संगत। और यह है मनुष्य की रचना प्रभु ने की, इसलिए कि वह ईश्वर का बखान करें। ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन पर्सन इज अल्टीमेटली द ग्लोरी ऑफ गॉड। ईश्वर की महानता मनुष्य के द्वारा बताई जा सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य वो ईश्वर का रूप होते हुए भी काफ़ी बार वो भटक जाता है, ईश्वर से दूर जाता है। और उसे चाहिए कि हमेशा थोड़ा बहुत मनन चिंतन करते हुए फिर प्रभु के पास लौट आएं। इसलिए प्रभु कभी दंडित भी करते हैं जिससे कि वो वापस अपने पास
प्रभु के पास आ जाएं। और वह उसने अनेक बार यहूदियों के प्रति यह किया और यहूदियों ने यह भी मान लिया कि यह हमारी गलती के कारण हमें दंड दिया जा रहा है। उनको निर्वासित भी किया गया अपनी प्रतिज्ञात भूमि से, इसलिए कि उन्होंने गलतियां की, अपराध किया और प्रभु ने उन्हें दंडित किया। जब वे पछतावा किया तब उनको प्रभु ने फिर क्षमा करके उन्हें वापस अपने प्रतिज्ञात भूमि में लाया। और आज का सुंदर सुसमाचार है प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी शायद वही सवाल पूछ सकते हैं, हमारे शत्रु हमें काफ़ी गलतियां करते हैं हमारे विरोध में, उनको कितने बार क्षमा करें? और संत पेत्रुस पूछते हैं 7 बार उनके लिए वो बहुत हो गया, 7 बार क्षमा करना। मानव सहिष्णुता हम जानते हैं, बहुत सहिष्णु नहीं बन सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा, 70 बार 7 अनेक बार, कितने भी बार, जब भी मनुष्य कोई आकर, तुम्हारा शत्रु आकर भी तुमसे क्षमा मांगे तो तुम क्षमा करो। इसलिए क्षमा करना ईश्वरीय स्वभाव व मानव में ऐसे स्वभाव भी आना आवश्यक है। तो प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि जो तुम्हारे विरोध में गलती करते हैं उनको क्षमा करो। यदि ऐसी क्षमा भावना प्यारे भाइयों और बहनों सारी दुनिया में होता तो यह दुनिया ही कुछ मात्रा में स्वर्ग बन जाता। जब भी विपदा और तकलीफ आती है दुनिया में, इसका कारण मनुष्य खुद है। स्वार्थपन, घमंड और स्वार्थ हमें ईश्वर से दूर करता है और एक दूसरे से वैरत्व उपजाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें भाई बहन के रूप में भाईचारा अपनाना है, तो ईश्वर पर भी ध्यान देना आवश्यक है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, ह्यूमन बीइंग्स एंड गॉड, ईश्वर और मानव। यदि मानव को हम मानते हैं कि वह ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर का एक समानता है, अपनी समानता ने उन्हें बनाया, जैसे हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में हम सुनते हैं, तो हमें चाहिए कि हर एक मानव को उनकी कदर करना, रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग एज ए क्रिएशन, एज एन इमेज ऑफ गॉड, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपने स्वार्थ के कारण अंधे बन जाते हैं तो शायद मानव के प्रति कोई भी गलती करने को तैयार होते हैं। और आज के सुसमाचार में दृष्टांत दिया है, हम दूसरों से हमारे प्रति अच्छा बर्ताव चाहते हैं, जबकि हम दूसरों से किस प्रकार बर्ताव करते हैं यह सवाल उठता है। हमारे लिए संतों ने और महान लोगों ने अनेक उदाहरण दिए। अभी अभी हमारे पापा फ्रांसिस जब अफ्रीकन लीडर्स वहाँ पर आए, उनके पैर का चुंबन करते हुए उन्होंने उनसे कहा, एक दूसरे को क्षमा करो, शांतिपूर्वक जियो, लड़ाई झगड़े मत करो। इतना सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया कि लेकिन कितना हम उदाहरण उसको पाते हैं, इस उदाहरण को किस प्रकार महसूस करते हैं हमारे जीवन में। यदि हमें विश्वास हमारा दृढ़ है तो ज़रूर हम प्रभु के उस कहने के अनुसार चलेंगे। आज के दृष्टांत में जैसे वह एक आदमी जिसका लाखों का ऋण था, तो उसके मालिक ने उसे क्षमा किया, लेकिन जब उसका एक सहयोगी साथी छोटा सा ऋण, अभी कहें 100 रुपये की बात कही है गॉस्पल हमारे सुसमाचार में, आज के ज़माने में 100 रुपये तो कुछ नहीं है, 10,000 ही कहो, और दूसरे का तो 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया यदि कर्ज था, तो हम जानते हैं वो उस कर्ज को यदि माफ़ किया तो छोटा से छोटा जो कर्ज है वो माफ़ करने को तैयार नहीं था। यह है हमारे मनोभावना काफ़ी बार प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हम में परिवर्तन की आवश्यकता है। और परिवर्तन ईश्वर ही कर सकता है, हमारे बलबूते नहीं। हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए, प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे मन को और हमारे दिल को शुद्ध करते हुए आपके समान बना दीजिए। और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे हृदय को आपके हृदय के समान बनाइए, नम्रता, सादापन। मैं रानी मरियम को व्यक्तिगत रूप से जानता था,
जब इंदौर में मैं था उनसे काफ़ी बार मिला हूँ। वे सेवा कार्य करती थी और वहाँ से आती थी काफ़ी बार शॉपिंग के लिए, और उस समय मैं उनसे मिलता भी था, बात भी करता था। सरल स्वभाव की साधारण सिस्टर, लेकिन उनका वह जो प्रण था कि लोग गरीब लोगों की सेवा करें और अपना जीवन उसको काफ़ी, उनको एक बार ऐसा थ्रेट भी था कि कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की और इस प्रकार अपने कार्य को जारी रखा और आगे बढ़ती गई और अपने जीवन से उन्हें हाथ धोना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया किस प्रकार हम दूसरों की सेवा में गरीबों की मदद करते हुए अपने जीवन को सचमुच में सार्थक बनाएंगे, प्रभु का निकटम अनुभव करते अनुसरण करते हुए उनके साथ होते हुए मानव सेवा में हम अपने आप को खर्च करेंगे, और यही उनकी इच्छा थी और इसलिए वह महान बनी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अनेक शहीदों की याद करते हुए, अनेक संतों की याद करते हुए हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु यीशु ने, उनके पुत्र ने और हमारे प्रभु ने सिखाया हमें, उसी प्रकार हम अपने जीवन को भी कुछ न कुछ मात्रा में प्रभु का अनुसरण करते हुए उनके समान सरल, साधारण, सेवाभावी और प्रेम भरा जीवन बनाएं। यदि हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं और उनसे उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और ईश्वर हमसे प्रेम करता है। संत योहन्न में बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं, यदि आप अपने भाई बहन से प्रेम नहीं करते हैं जिन्हें वो तुम देख सकते हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ईश्वर से प्रेम करते हो जिन्हें वो तुम देख नहीं सकते। और आज के माहौल में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उस ईश्वरीय स्वभाव को, जिनका क्षमा भावना है, उनके ईश्वरीय स्वभाव को हमारे जीवन में कुछ मात्रा में अपनाना और प्रभु का अनुसरण करते हुए अपने आप को धन्य बनाना और संतुष्ट भरा जीवन बिताना। फिर एक बार हम रानी मरिया की मध्यस्थता द्वारा हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और प्रभु को हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में अपनाएं। आमीन। और माता मरियम वैसे संत योसेफ हमारी मदद करें। आमीन।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य रानी मरियम की शहादत की स्मृति में हम तेरी वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। हम प्रभु के दुख भोग के रहस्य का अनुष्ठान करें और इस बलिदान के अनुरूप जीवन बिताएं हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीदों ने क्रीस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्षी देने के लिए हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम प्रतिपल निरंतर तेरे आराधना करते हैं और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। कीर्तन गाते हैं होसाना, हम सब मिलकर गाते हैं होसाना। जय कीर्तन गाते हैं होसाना, हम सब मिलकर गाते हैं। राजा के राजा यीशु राजा, दुनिया के पालन करने वाला। राजा के राजा यीशु राजा, दुनिया के पालन thank you.
तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझ निर्मल बलि चढ़ती रहें। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, हमारे नुफारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं के आज्ञा से हम युक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को येसु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, तेरे पुत्र के मुक्ति पर दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारे परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों, धन्य रानी मरिया और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद की सौभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्षा को, धर्माध्यक्ष लियो कॉर्नेलियो, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मर्त भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
अब हम सब मिलकर हमारे स्वर्गीय पिता से विश्वासपूर्वक प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने ही हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तदाता यीशु क्राइस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। जो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गीय भोज में भाग लिया है, ऐसे कृपा करके धन्य शहीद रानी मरिया का स्मरण हमें प्रेरित करें और उनकी दयामय मध्यस्थता हमारी सहायता करें, ताकि हम उनके विश्वास के महान आदर्श का अनुसरण कर सकें। हम यह विनम्र याचना करते हैं अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा। सबको जो इस कृत्य याग में शामिल हुए हैं, विशेष करके हमारे फादर्स और धर्म संगी और लोक धर्मी सब, उनको धन्यवाद देते हुए हम हमारे आवश्यकताओं के लिए और सबके लिए, हमारे परिवारों के लिए ईश्वर की आशीर्वाद की याचना करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम सिर झुकाएं और ईश्वर के आशीर्वाद के लिए याचना करें। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है, वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और संतों की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आप सबको सुदृढ़ बनाएं। संतों की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करें और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करें। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति ईश्वर की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है, तो आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। अब हम धन्य शहीद रानी मरिया से नवीना की प्रार्थना करेंगे उनकी मध्यस्थता के लिए। हे परम पावन त्रिएक ईश्वर, हमारे परिपालक करुणामय प्रभु, हम तेरे आराधना करते हैं, संपूर्ण हृदय से तुझे प्यार करते हैं, तेरे दिए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेषकर तेरे विश्वस्त दासी धन्य शहीद रानी मरिया के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझ पर अटल भरोसा रखकर तेरे ईमानदार शिष्य बनकर जीने की कृपा हमें प्रदान कर। प्रभु मेरा चरवाह है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता था
और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हम सब की मुक्ति छाने वाले प्रेमी पिता ईश्वर, तूने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। तेरे इस पवित्र वचन को अपनाकर अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान करने की रानी मरिया ने हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण दिया। उनकी मध्यस्थता से सवनीय निवेदन करते हैं कि हम भी पवित्र वचन को अपनाकर नम्र एवं विनीत होकर प्रभु यीशु के उत्तम शिष्य की तरह दूसरों की सेवा करके स्वर्ग राज के भागीदार बने, तदा यह विशेष कृपा प्रदान कर। हम विश्वास और भक्ति भाव से अनुनय विनय करें। हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे प्रार्थना कर। हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। इस प्रेम और भ्रातृ प्रेम में बढ़कर पवित्रता की पुण्य सुगंध चारों तरफ फैलाने के लिए, हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। रोगियों, दुखियों, पीड़ितों और अनाथों में प्रभु येसु के दर्शन करने के लिए, हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने हर प्रकार के दुख तकलीफों को प्रभु को समर्पित करते हुए स्वांतना पाने के लिए, हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। अब हम मौन पूर्वक हमारी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु येसु, तूने हमें सिखाया कि मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हे सृजनहार व पालनहार प्रभु, हमें आशीष दे ताकि हम गरीबों, फद दलितों, शोषितों और दुखितों की सेवा शुश्रूषा करते हुए धन्य शहीद रानी मरिया का सपना साकार कर सकें और सत्य और न्याय के पद पर आगे बढ़कर जीवन की सफलता पा सकें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो, अब और सदा सर्वदा। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।